नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने मोर जमीन मोर मकान के तहत तो बनाए जा रहे भवनों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रमबद्ध आने वाले आवेदनों को उसी क्रम में स्वीकृति प्रदान करें। किसी भी तरह से आवेदनों की पेंडिंग प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को। आज हमारे नगर निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान के तहत जो मकान बन रहे हैं, आज उसकी समीक्षा की गई कि कितने निर्माणाधीन हैं, कितने लोगों का प्रथम किस्त गया है, कितने लोगों का द्वितीय किस्त गया है और कितने लोग पूर्ण हुए हैं। इसकी संपूर्ण समीक्षा की गई और करने के पश्चात उनको हिदायत दिया गया कि जो क्रम में आ रहे हैं उन क्रम के अनुसार आज के डेट में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो सही है उसमें आज का डेट और आज का समय और जो आवेदन आज आए हैं वही एक नंबर होगा। 40 नंबर वार्ड के यदि आज पहले आवेदन आता है तो एक नंबर वो होगा, उसके बाद के जो आवेदन आते हैं जितने भी वार्डों के आते हैं वो नंबर दो होगा। मैंने स्पष्ट रूप से उनको कहा है कि आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए और रजिस्टर मेंटेन करने के साथ साथ टाइम जरूर लिखें और डेट लिखें कि किस टाइम में कौन सा आवेदन प्राप्त हुआ है और उसी क्रम में उसको स्वीकृति जाएगा। न मेरा न आपका, जनता हमारी है और भिलाई चरोदा के सभी जनता हमारे हैं और किसी भी के साथ अहित ना हो, सबके काम जो है समय पे हो। और ऐसा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी का 6 महीना से पेंडिंग है या 5 महीना से पेंडिंग, ऐसे मामला अब आपको देखने को नहीं मिलेगा।